नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिंदुस्तान टुडे। दोस्तों, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा के रखा है। इससे कई सारे मरीज जो हैं पाए गए हैं और कई सारे लोग कोरोना वायरस के चलते मर गए हैं, साथ में कई सारे लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना वायरस आया तो इसके साथ एक शब्द भी आया है, क्वारंटाइन। जी हाँ दोस्तों, आपने भी कहीं ना कहीं ये शब्द सुना होगा, क्वारंटाइन। बहुत से लोग इसको क्वारंटीन भी कह रहे हैं। तो ये जो शब्द है ये आपने भी सुना होगा और आप सोचते होंगे इसका मतलब क्या होता है। तो आपने भी ऐसा सुना होगा, इनको क्वारंटीन कर दिया, ये सेल्फ क्वारंटीन में है, या तो जो भी है आपने भी सुना होगा, कहीं ना कहीं न्यूज़ में सुना हो या आपने कहीं पेपर में पढ़ा हो। सबके माइंड में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि क्वारंटाइन आखिर होता क्या है, कैसे होता है, क्यों किया जाता है, किसको किया जाता है, अगर नहीं करें तो क्या होता है। तो बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, सारे सवाल इस पे कवर किया है मैंने। सबका आंसर दूंगा, अच्छे से दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा। वीडियो पूरी देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करिएगा। द हिंदुस्तान टुडे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी क्वारंटाइन क्या होता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। सबसे पहला सवाल ये है कि क्वारंटाइन शब्द का मतलब क्या होता है, क्वारंटाइन आखिर मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है हिंदी में संगरोध, यानी कि इसका अर्थ होता है अलग रहना। हिंदी में इसका जो सिंपल सा मतलब मैं बताऊं, अलग रहना। अब दूसरा सवाल दोस्तों क्या आता है कि क्वारंटाइन किसको किया जाता है। क्वारंटाइन दोस्तों हर उस शख्स को किया जाता है जो संदिग्ध होता है। संदिग्ध का मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मार्केट में गया, वहाँ पे मैंने एक मार्केट में किसी इंसान से मिला, उस इंसान को कोरोना वायरस था, मेरे को ये पता नहीं था। मैं आया घर में, मेरे को पता चला उसको ये था, कोरोना वायरस था। अब मेरे को क्वारंटाइन किया जाएगा, क्लियर नहीं है कि मेरे को कोरोना वायरस हो गया है या नहीं हुआ है, लेकिन अभी मेरे ऊपर शक है कि मेरे को हो सकता है। तो मेरे को 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा, मेरे को देखा जाएगा, सब कुछ मेडिकल कुछ ट्रीटमेंट भी दिए जाते हैं और इसके बाद चेक किया जाएगा, अगर मैं सही हूँ तो ठीक है, मैं फ्री हो जाऊँगा। ऐसे ही दुनिया में किया जा रहा है क्वारंटाइन, का मतलब यही होता है उनको अलग थलग रख दिया जाता है कि वो किसी से मिले जुले नहीं, ताकि हो सकता है उसको भी वो वायरस आ गया हो। फॉर एग्जांपल दोस्तों, बहुत सारे लोग जाते हैं मार्केट में, वहाँ पे फैला हुआ रहता है, तो बहुत सारे लोगों को क्वारंटाइन कर रही है गवर्नमेंट, ताकि उनसे और लोगों को ना फैल जाए, क्योंकि क्लियर नहीं है कि उनको है या नहीं है, हो सकता है उनको है, हो सकता है नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, यह शब्द आया कहाँ से। क्वारंटाइन शब्द दोस्तों ये आज का शब्द नहीं है, ये शब्द बहुत बार महामारी में यूज़ किया जाता है और ये बहुत पहले का शब्द है। ये शब्द सिंपल, इसका इतिहास बहुत बड़ा है, वो मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ, ये शब्द आया इटली से। एक समय में इटली में प्लेग नाम का मतलब फैली हुई थी महामारी, तब इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था फर्स्ट टाइम, और उस समय 40 दिन लोगों को क्वारंटाइन किया जाता था, मतलब 40 दिन लोगों को जो मतलब संदिग्ध होते थे, जिन पे लगता था इनको हो सकता है वो प्लेग वायरस इन पे हो सकता है, तो उनको रखा जाता था अलग कमरे में। तो ये शब्द वहाँ से इटली से आया। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आता है, क्वारंटाइन किया क्यों जाता है। दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर मैंने पहले ही बता दिया है, इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए किसी शख्स में हो सकता है वो वायरस आ गया हो, कोरोना वायरस आ गया हो, तो उससे और लोगों को ना फैल जाए, इसलिए अभी 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाता है, गवर्नमेंट करवा रही है, ताकि इससे पता चल जाए, अगर होगा भी तो भी पता चल जाएगा, नहीं होगा तो भी पता चल जाएगा, तो इसलिए क्वारंटाइन किया जाता है। क्वारंटाइन कहाँ कर सकते हैं, ये है नेक्स्ट सवाल। सिंपल सा आंसर मैं इसका दूं दोस्तों, तो इसको आप हॉस्पिटल में भी किया जा सकता है, इसको आप अपने घर में बंद कमरे में भी कर सकते हैं, या तो मैं सिंपल सी बात होता हूँ, आप इसको ऑफिस में भी कर सकते हैं, कहीं भी क्वारंटाइन किया जा सकता है, क्योंकि क्वारंटाइन का मतलब होता है अलग थलग। मगर ध्यान में ये रखना होता है कि जहाँ पे भी मतलब रखा जा रहा है मरीज को, जो भी है सिंपल सा, जिस पे मतलब शक है कि इसको कोई सा वायरस हो सकता है, कोई सी बीमारी हो सकती है, तो उसको वहाँ जहाँ रखा जाता है, वहाँ पे बाथरूम वगैरह हो, हाथ वाथ धोने की सुविधा हो, खाने पीने की सुविधा हो, तो वहाँ पे उसको रखा जाता है। इसके लिए एक इंसान भी रख दिया जाता है, वो उसकी पूरी सेवा करता रहता है, पूरा उसको देखरेख करता रहता है। दोस्तों आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, क्वारंटाइन सिर्फ इंसान को नहीं किया जाता, जानवरों को भी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो बीमारियाँ हैं जानवरों में भी फैलती हैं, तो उनको भी क्वारंटाइन किया जाता है, ये बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, सिर्फ इंसानों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। क्वारंटाइन मिलने के बाद मतलब क्वारंटाइन करने के बाद अगर लक्षण पाए जाते हैं तो मरीज का क्या किया जा रहा है, कोरोना जैसे लक्षण पाए जाते हैं तो उसका क्या किया जा रहा है। सिंपल सी बात है, उनको इलाज दिया जा रहा है, उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है और उनको जो भी कोरोना से लड़ने का इलाज है वो किया जा रहा है। दोस्तों कई लोगों के मन में एक सवाल और आ रहा है कि क्या क्वारंटाइन और आइसोलेशन एक ही होता है। इसका सिंपल सा आंसर है नहीं, क्योंकि क्वारंटाइन जो है ये इसकी फर्स्ट स्टेज है, इसके बाद में आइसोलेशन में रखा जाता है। मतलब इंसान पे जब ऐसा लगता है कि इसको हो सकता ही है ये बीमारी या ये वायरस इस पर हो सकता है, जब शक होता है तब
क्वारंटाइन किया जाता है, लेकिन आइसोलेशन में तब रखा जाता है जब क्लियर हो जाता है हाँ इसको ये वायरस है या इसको ये बीमारी है, तो उसका इलाज जब किया जाता है तब आइसोलेशन में रखा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बता देता हूँ। क्वारंटाइन में केवल मरीज को, संदिग्ध मरीज को रखा जाता है जो मतलब जिस पे शक होता है। क्वारंटाइन होम में भी किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि इसको हॉस्पिटल में ही करना है, जेल में भी आप कर सकते हैं। जेल में अगर एक बंद कमरा है वहाँ पे भी आप खुद को रख सकते हैं, कहीं भी रखा जा सकता है। सिंपल सी बात यह है, इसका सिंपल सा आंसर ये है। अब क्वेश्चन एक आता है दोस्तों कि क्वारंटाइन 14 दिनों का ही क्यों किया जा रहा है। इसका आंसर ये है कि 14 दिन में ही ये जो कोरोना वायरस है 2 से लेकर 14 दिन में ही इसके लक्षण पता चल पा रहे हैं, और इस पे पूरा पता चल जाता है कि सामने वाले में कोरोना वायरस है कि नहीं, पूरे लक्षण पता चल जाते हैं। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, या तो छींक खांसी बुखार जुकाम, या तो सर दर्द, या तो फिर बुखार जैसी कुछ चीज़ें आती हैं, तो इसे 14 दिन में पूरा क्लियर हो जाता है, इसलिए 14 दिन का ही क्वारंटाइन किया जा रहा है। अगर क्लियर होता है कि 14 दिन बाद पता चलता है कि हाँ कुछ इसके लक्षण है, तो आइसोलेशन में भेज दिया जाता है। दोस्तों आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं, क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर सज़ा भी होती है। जी हाँ दोस्तों, इस पर भारत सरकार ने नियम बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे बचना चाहते हैं, और ये आज का कानून नहीं बना है, बहुत पहले बन चुका है। अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है, कोई छुपने की कोशिश करता है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो उन पर केस भी दर्ज होता है और उन पर कार्रवाई भी की जाती है। अब दोस्तों एक लास्ट सवाल मन में आ रहा है कि मोदी जी ने पूरा लॉकडाउन करके रखा है, यानी कि सबको क्वारंटाइन करके रखा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों, लॉकडाउन जो किया है ये एक सोशल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग अलग चीज़ है, क्वारंटाइन अलग चीज़ है, और आइसोलेशन अलग चीज़ है। सोशल डिस्टेंसिंग में दोस्तों इंसान को सिर्फ घर में रहने के लिए बोला गया है, ये सबसे पहली स्टेज है मेरे हिसाब से। दूसरी स्टेज में क्वारंटाइन आती है, और तीसरी स्टेज में आइसोलेशन आता है। सोशल डिस्टेंसिंग में दोस्तों आपको बाहर जाने की अनुमति है, अगर आपको कुछ ज़रूरी सामान लेना है, दवाई वगैरह लेना है, तो आप जा सकते हैं। लेकिन क्वारंटाइन में ऐसा नहीं होता है, क्वारंटाइन में आपको घर में ही रहना है। अगर आप संदिग्ध पाए जाते हैं, आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसा वायरस है या कुछ बीमारी है, तो अगर आप क्वारंटाइन हैं तो आप कहीं नहीं जा सकते, आपको घर में ही रहना है, वहीं पे खाना पीना है, वहीं पे बाथरूम वगैरह जाना है, सारे काम घर में करने हैं, कुछ भी आप बाहर नहीं जा सकते। और दोस्तों आइसोलेशन में अगर आप क्लियर हो जाता है कि हाँ आपको है वो वायरस वगैरह, जो भी बीमारी है, तो फिर आपका इलाज होता है। दोस्तों यही कुछ सवाल थे जो सबके मन में इस समय चल रहे हैं कि क्वारंटाइन क्या होता है, कैसे होता है, किसको किया जाता है, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, द हिंदुस्तान टुडे आपका जवाब जरूर देगा। दोस्तों जल्दी ही मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आइसोलेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि इसका क्या मतलब होता है, इस पर क्या किया जाता है मरीज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, द हिंदुस्तान टुडे आपको जरूर जवाब देगा। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपके पास सबसे पहले। इस वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही, हर खबर अब देसी अंदाज में, द हिंदुस्तान टुडे।